अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा वसीम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल के एक नई फ़ीचर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि गूगल ने अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च करवाया है। और वो फ़ीचर जो है वो पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए कह लें या उन यूज़र्स के लिए हैं जो कि उर्दू टाइप करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, अपने टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर। तो वो फ़ीचर किस तरह से आप लोग भी यूज़ कर सकते हो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग हमेशा मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करें, उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे जी बोर्ड, ठीक है। सर्च बोर्ड में आप लोग सिंपल जी बोर्ड लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो आप लोग के पास फर्स्ट ऐप जो आएगी वो यही वाली आ जाएगी जी बोर्ड के नाम से। इसको आप लोगों ने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। इसकी काफ़ी अच्छी डाउनलोड्स हैं, आप लोग इसकी रेटिंग देख सकते हो, 4.2 इसकी रेटिंग है और 22 MB की ये ऐप है। आपको फ्रीली मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करोगे दैन जैसे ही आप इसको ओपन करते हो। तो फिलहाल ये इनेबल नहीं होगी जब तक कि आप लोग इसको इनेबल नहीं करोगे। इनेबल करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज एंड इनपुट्स का, ठीक है। इसको क्लिक करोगे और यहाँ से आप लोग के पास डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में जाके आप लोगों ने अपना जो कीबोर्ड है वो जी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास सैमसंग कीबोर्ड सिलेक्ट है और मैं यहाँ से जी बोर्ड गूगल कीबोर्ड को जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है और देन आपने उसके बाद यहाँ पे जी बोर्ड थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, जी बोर्ड जहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सिलेक्ट हुआ हुआ है। जी बोर्ड में जाने के बाद आपने सिंपल ये आप लोग के पास यहाँ से ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर लेना है और देन यहाँ से आपने उर्दू सिलेक्ट कर लेना है या कोई और लैंग्वेज जो कि आप जिसमें टाइप करना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने उर्दू सिलेक्ट कर लिया और मैं अब चल देती हूँ बैक। सिंपल अब मैं अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर जाके आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से आप लोग उर्दू टाइप कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो यहाँ जो भी आप लोग यहाँ पे टाइप करना चाहते हो वो आप लोग टाइप कर सकते हो। तो ये था हमारा जो है वो छोटा सा आज का एक के ऐप का रिव्यू। और आप लोग अच्छा अगर इसको वापस से चाहते हो कि आप लोग मतलब कि उसी डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में चले जाओ, तो यहाँ से आप लोग जो स्पेस का ऑप्शन है इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सैमसंग कीबोर्ड का, या जो भी आप लोगों के मोबाइल में डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होगा आप लोग सिंपल जस्ट उसको टैप करोगे तो आप लोग दोबारा उसी फीचर के ऊपर आ जाओगे और आप लोग इंग्लिश में टाइप कर सकोगे, ठीक है। और दोबारा मैं इसको लॉन्ग टैप करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इसको दोबारा से इनेबल करना पड़ेगा। और दोबारा से इनेबल करने के लिए सिंपल वही आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में जाके और जो है वो यहाँ से जी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।